वरिष्ठ भाजपा नेता और बछरावा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजाराम त्यागी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के साथ साथ अपना 62वां जन्म दिवस भी मनाया। इस अवसर पर उनके सैकड़ों समर्थक ही मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां वीरांगना झलकारी बाई शिक्षा निकेतन के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले पूर्व विधायक श्री त्यागी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पत्नी शांति त्यागी के साथ मिलकर केक काटा। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर श्री त्यागी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के प्राचार्य और श्री त्यागी के पुत्र सुनील त्यागी, वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेश मिश्रा, बद्री विशाल अवस्थी, दिनेश शंकर तिवारी, अंबिका शरण सिंह, मोहम्मद ताहिर, महेश प्रसाद पूर्व बीडीसी, पूर्व एडीओ पंचायत रामप्यारे सिंह, सभासद विजय धूनी, इरशाद अहमद सिद्दीकी शिक्षक, प्रधान हसनपुर केशव चौधरी, प्रधान सुल्तानपुर संतलाल लोधी, युवा नेता जगदीश लोधी, चंद्रपाल यादव, रामचंद्र सिंह, गया प्रसाद चौरसिया, राम उदित चौरसिया, पुष्कर सिंह, राजू सिंह समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। एक एक इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। थोड़ा देर थोड़ा।